जय हिंद, जय सिल्ला। मैं 2019 जो आज 31 दिसंबर है और 2019 की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। मैं पूरी हिस्ट्री, मेरे साथ में घटना क्या घटी, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ, क्या अभी कर रहा हूं मैं, क्या नहीं है, पूरी ए टू जेड कहानी बताऊंगा मैं आप लोगों को। रियल घटना दिखाऊंगा, रियल घटना बताऊंगा मैं आप लोगों को, कहानी बताऊंगा 2019 का पूरा रियल घटना बताऊंगा मैं पूरा पूरी। देखते रहिए मेरा चैनल, देखते रहिए, इसने कुछ ना कुछ कहानी आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। हर एक वीडियो में सभी को बोलता हूँ मैं, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। मेरी 2019 का जो 2019 साल आज 31 दिसंबर है और आज रात 12 बजे के बाद 2020 लागू हो जाएगा। मैं 2019 की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूं। मैं मेरा चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है शिव विक्रम सिल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको हर वीडियो देखने के लिए मिलेगा। स्टार्टिंग जनवरी महीना में फर्स्ट डे, पहला दिन कोई पार्टी ने नया साल आया तो मैंने कोई पार्टी नहीं की। 1 जनवरी 2019 का मैंने कोई पार्टी नहीं, साधारण उसी तरह ज़िंदगी आज जैसे पार की उसी तरह नकल भी ज़िंदगी पार की। मैंने कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। 1 जनवरी में भी उसी तरह कटा। जनवरी में मैं मज़दूर का काम कर रहा था, वो भी बॉम्बे में था। मैं बॉम्बे में 2019 में 1 जनवरी में जनवरी के महीना में बॉम्बे में था। जनवरी महीना में कुछ घटना घटी थी मेरे साथ में। जब 2018 का महीना दिसंबर महीना में था तो एक सेट जो फिल्म शूटिंग का था, सेट था राजू मंडल, 6000 रुपया दिया नहीं था पैसा मेरे को, 6000 पैसा नहीं दिया। तो एक तंबाकू स्टूडियो था जहाँ शूटिंग बनती है, तो मैंने प्रेम का जो शूटिंग का जो राजू मंडल का सुपरवाइज़र था उसका मोबाइल छीन ले रहे तंबाकू स्टूडियो में, और बार बार मेरे को फ़ोन कर रहा था। मैंने बोला मैं कभी ज़िंदगी में थाना पुलिस केस नहीं करने जाऊंगा, तुम थाना पुलिस करो। तो इसका मोबाइल छीन लिए थे मैंने और बार बार कॉल कर रहा था, एक बार बार 2-3 थाना से फ़ोन किया, रॉन्ग नंबर ये सब बहुत ज़्यादा फ़ोन किया था, कुछ हुआ नहीं। लास्ट में जुहू थाना में कंप्लेन किया, मैंने फ़ोन उठाया और पुलिस का थाना गया। मैंने पुलिस पास बोले मैंने सर बॉम्बे में कहीं भी थूक देने से ना 500-200 फाइन भरता है, ये आदमी पूछिए मेरा पैसा नहीं दे रहा था, पूछिए कितना बाद उड़ाया, बहुत बार मेरे को तकलीफ दिया। दिसंबर महीना में खाने पीने का तकलीफ, जा रहे थे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। उसके पीछे मेरा पार हो गया, बहुत तकलीफ से पार हुआ था दिसंबर महीना, और जनवरी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से पार हुआ था मेरा। तो मैंने पुलिस के पास बोले मैंने कहानी, तो पुलिस वाला मेरे को भी मारा, प्रेम को भी मारा और अमन पांडे को भी मारा। कुछ देरी के बाद राजू मंडल तो आया नहीं थाना में, डर के मारे नहीं आया। अरे सर मामले छोटा मोटा मामले में क्यों आया पुलिस भाई? तो पुलिस बोले सर मेरे को केस करना है, जो भी होगा तो केस करना है, ये मेरे को है। तो केस लिया नहीं पुलिस वाला, क्योंकि मैटर में फंसना नहीं चाहता था, पुलिस वाला भी फंसना नहीं चाहता था। तो लास्ट में मैटर में किसी तरह मतलब प्रेम ने मेरे को 6000 रुपये दिया और केस ख़त्म हो गया। जनवरी महीना में मजदूर का ही काम करके पार हो गया और कोई घटना घटी नहीं थी मेरे पास। अब आ गया फरवरी महीना में मैं मज़दूर का ही काम कर रहा था और गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल से फ़ोन किए थे मैंने। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल अरसवा फतेहपुर का प्रिंसिपल, मैं पहले भी जॉब करता था, 2018 में जॉब करता था मैं गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में। तो वहाँ का प्रिंसिपल से कुछ बोला बोली हो गया था, कुछ मतलब छोटे मोटे लड़ाई हो जा गया था, फिर स्कूल से निकाल दिया था मेरे को। मैंने उसको बार बार फ़ोन करता था सर मेरे को स्कूल में ज्वाइन करना है, तो बोला ठीक है न्यू सेशन में ज्वाइन करना है, इसीलिए मैं उसको इंतज़ार कर रहा था। मैं बोला ठीक है, फरवरी महीना में फ़ोन किए थे और बेगारी काम कर रहा था मैं, बहुत तरह का आज ये काम कर रहा, कल वो काम किए मैंने, आज वो काम किए, उसी तरह मैं फरवरी महीना भी पार हो गया। मार्च महीना भी
उसी तरह पार हो गया। मजदूर का काम कर रहा था, कभी उधार। अब चौपड़पट्टी में रहता था। अब बॉम्बे का अपनी घटना देखे, फोटो वीडियो भी देखे, रूम भी देखे। उसमें चाली था, उसका आगे वाला चाली पे रहते थे मैं, आगे वाला चाली में रहते थे मैं। मार्च महीना भी उसी तरह पार हो गया। आगे अप्रैल महीना में मैंने फ़ोन किया SB बनर्जी सर को, मैंने माननीय प्रिंसिपल सर को फ़ोन किया। मैंने सर स्कूल में कब से ज्वाइन करूँ मैं? बोला बेटा मैं बॉम्बे में हूँ, मैं एक हफ्ता बाद फ़ोन करना, मैं एक हफ्ता बाद बता दूंगा मैं। मैंने ठीक है, किसी लड़का का मतलब गुरुकुल इंटरनेशनल का लड़का से फेसबुक पर बात की मैंने। बनर्जी सर आए तो जोगदा 12 तारीख को मैंने लड़का बोला हाँ सर बनर्जी सर पहुँच चुके हैं, मतलब स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं। मैंने फिर प्रिंसिपल को मैंने व्हाट्सएप में फ़ोन किए, व्हाट्सएप में मैसेज किया सर हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा बॉम्बे में, सर प्लीज़ बुला लीजिए सर मेरे को, सर प्लीज़ मेरे को बुला लीजिए सर, मन नहीं लग रहा है। तो लास्ट में किसी तरह मैंने बुला लिया। बोला ठीक बेटा आ जा तुम स्कूल में। बोला ठीक है, बोला बदमाशी नहीं करना। बोला ठीक है मत कर, नहीं करूँगा सर। मैं 12 तारीख मतलब अप्रैल महीना में वहाँ पर गया मैंने, और एक दो दिन के बाद मैंने ट्रेन पकड़ के मतलब गुरुकुल पहुँच गया मैं। रात को उतरे गुरुकुल में, लगभग सुबह रात को 8 बजे करीब, 8 या 8:30 बजे टाइम था, लगभग टाइम था, पहुंचा मैं वहां पर। और गेट वाला एक प्यून था, उसने ढुकने नहीं दिया। फिर प्रिंसिपल पास फ़ोन किया, प्रिंसिपल फ़ोन करके बोला आज को अंदर आने दो। फिर रूम दिया मेरे को, फिर अपना सारा कपड़ा तपड़ा धो धा किए मैंने, सारा कपड़ा धोए मैंने। फिर कपड़े धोकर सूखने दे दिए मैंने। उसके बाद धो धा कर रात को सोए मैंने, सुबह उठे नहाए धोए कपड़े को सलट दिए मैंने। फिर मेस में किया मैंने, नाश्ता पानी किया मैंने। उसके बाद ऑफिस में पहुंचा मैं, ऑफिस में प्रिंसिपल सर से बातचीत किया। बोला ठीक है बेटा तो स्कूल में बदमाशी मत करना। बोला ठीक है सर स्कूल में बदमाशी नहीं करूँगा मैं। बोला ठीक है। मैं जब स्कूल का फॉर्म आया, लेटर आया, उसमें भरने लगे तो कुछ देर के बाद बोला सर मतलब विक्रम बेटा तुम मेरे स्कूल में 2-2 PT आई है तो आप अच्छा स्कूल में आपको ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ मैं, और वहाँ पर अच्छा से काम करना और मन से काम करना, कुछ बन कर दिखा देना तो मानूंगा कि तेरे अंदर कुछ जोश और जुनून है, बात बन कर दिखा देना। तो बनर्जी जी सर बोले ठीक है सर मैं बन के दिखा दूंगा मैं, और किसी से बोला बोले नहीं करूँ, किसी से झगड़ा भी नहीं करूँगा मैं। तो स्कूल का नाम था प्रिंस एजुकेशन हब सिक्कर। वहाँ पर वहाँ का जो फाउंडर है, डायरेक्टर है, जोगिंदर सुंडा से मिलना। बोला ठीक है सर जोगिंदर सुंडा से मिलूँगा मैं। फिर अपना सामान तमान लिए मैंने गुरुकुल से और सिक्कर पहुँच गया मैं। और सी बी सी कैंपस पहुँचे, वहाँ से सुमेंद्र सर मिले। सुमेंद्र सर को तो ऑफिस में किसी तरह पहुँच गया मैंने, सुमेंद्र सर पास पहुँचे मैंने। तो उनका जोगिंदर सुंडा का नाम नहीं ले पा रहा था मैं, मतलब बोल नहीं पा रहा था। सर मैंने बोले गुरुकुल इंटरनेशनल का प्रिंसिपल सर ने मुझको भेजे हैं और डायरेक्टर सर से मिलने के लिए बोले हैं, और जोगिंदर सिंघानिया नाम बोलते थे मैं, जोगिंदर सिंघानिया सर से मिलना है मेरे को। बोला ठीक है, जोगिंदर सिंघानिया बोला कुछ और नाम बोला सर, जोगिंदर सिंघानिया बोला। तो सुमेंद्र सर हंसने लगे तो मैं भी हंसने लगा मैं। बोला ठीक है जोगिंदर सिंघानिया नाम नहीं है, जोगिंदर सुंडा है। बोला ठीक है मैं भेजता हूँ आपको। तो कुछ देर बाद भेजा उनको, मतलब स्कूल का स्टाफ लोग मेरे बाइक से लेकर जोगिंदर सर पास पहुँचा दिए मेरे को। तो ऑफिस में बाहर बैठ के मैंने कुछ देर बाद जोगिंदर सर बुलाया मेरे को। सर बोला बनर्जी सर ने हमको सर अब जोगिंदर सिंघानिया से बोला था। तो जोगिंदर सर भी हंसने लगे, क्या नाम बताया बनर्जी ने? बोला सर जोगिंदर सिंघानिया नाम बताया मेरे को। तो जोगिंदर सुंडा हंसने लगा बोले सर इसमें और कुछ नाम बताया क्या? जोगिंदर सिंघानिया बताया और कुछ नाम बताया? बोले सर जोगिंदर सिंघानिया नाम बताया। तो अपने कागज़ पत्र दिखाए मैंने, सर्टिफिकेट दिखाए, बोला जाओ जो आपको भेजा वहाँ पर चला जाओ। फिर सुमेंद्र सर पास गए मैंने, फिर रूम तुम दिया मेरे को। फिर काम करने लगे मैंने स्कूल में अप्रैल में, और सही से काम कर रहा था मैं। किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, किसी से कुछ नहीं कर रहा था मैं, किसी से कोई लगाव नहीं, खाली अपना काम करके खाना पीना खाकर रूम में आ जाता था मैं, कुछ नहीं। अब बहुत सारा आदमी बोलता था ये पागल है, वो है, क्योंकि मैं उदास सुस्त दिमाग का रहता, इस तरह सुस्त दिमाग का रहता था मैं, सुस्त नहीं रहता था,
किसी से बातचीत करना, ना किसी से कुछ नहीं करना। चलिए अप्रैल महीना भी इसी तरह पार हो गया, मई महीना में आता हूँ मैं। मई महीना में कुछ घटना घटी थी मेरे साथ में, सुनिएगा। जब मैं प्रिंस स्कूल में था, मैं प्रिंस एजुकेशन हब में था, तो मैं स्कूल में पीटीआई का पोस्ट में था। पीटीआई मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर का पोस्ट में था मैं, पीटीआई का पोस्ट में था, और ब्लॉक वन और टू में था मैं। तो गर्मी छुट्टी था तो अरविंद सर मेरे को लेकर के सुमेंद्र सर पास बच्चों को छोड़ने के लिए। तो सुमेंद्र सोचा कि ऐसा ये पागल है, किसको उठा कर लाया, मतलब मेरे को, मतलब किसको पागल को लेकर आया, उसको भेज दो कुछ क्या आता है, तो जी ये पागल आगे क्या करेगा दिखा देगा आपको इस स्कूल में, सुनते रहिए पूरा कहानी। तो मेरे को कुछ गुस्सा नहीं आया, बोलो जाने दो भाई, बोलने दो ना, तो क्या टेंशन है, बस सुस्त रहो आराम से भाई, नॉन रोटी खाओ और कुछ करके दिखाएंगे भाई, चुपचाप मन में सोचा। मैंने चलो मन में बोला, बोलने के बाद गर्मी छुट्टी हुआ, मई महीना में गर्मी छुट्टी हुआ। उसके बाद मैं घर आ गया, मैं घर में आया, मैंने एक दो दिन रुक कर फिर चला गया मैं बॉम्बे। बॉम्बे में मजदूर का काम करने लगे, और पैसे से मैंने मजदूर का पैसे से, और कुछ पैसा था मेरे पास जेब में, उस पैसे से मैंने मोबाइल लिया, मैंने ओप्पो का 10,000 का मोबाइल लिया मैंने, और बेगारी काम कम, मजदूर का काम, बहुत सारा काम किया मैंने। आप लोग देख, आप पहले भी दिखाया मैंने वीडियो को, मैंने दिखाया था मैंने, आज ये काम कर रहा हूँ, कल वो काम कर रहा हूँ, आज वो काम कर रहा हूँ, बहुत सारा काम किया मैंने, अलग अलग मतलब नाके से ज़्यादा था मैं, बहुत सारा काम कर रहा था मैं। तो जुलाई महीना में मई हुआ, जुलाई आया, जुलाई में वापस स्कूल आ गया मैंने, प्रिंस एजुकेशन हब आ गया। तो स्कूल में भी जुलाई महीना में आ गया, फिर रात को स्कूल में, एक बात बता देता मैं, स्कूल में जब था मैंने, रात को लगभग 11 बजे तक, मतलब पर डे पूरा स्कूल का ग्राउंड का प्रैक्टिस करता था मैं। एमएमए का एक रियल प्रोफेशनल फाइट लड़ता था मैं, एमएमए का, उसको यूट्यूब में देखिएगा, अभी भी मेरा फाइट का एक वीडियो डाला हुआ है। बहुत डेंजर गेम था, चाहता मैं दुनिया के लिए कुछ करके दिखाऊँ, देश दुनिया के लिए कुछ करके दिखाऊँ मैं। तो फाइट को रात रात प्रैक्टिस करता था मैं, और स्कूल में मेहनत करता था पूरा, सब देखकर सोचता था खाली लड़का अंदर क्या है, कि साले रात भर रात प्रैक्टिस करता है, खाना खाया फिर ग्राउंड दौड़ रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पंच ऐसे पूरा मार रहा मैं, पूरा पूरी। तो कभी कभी फाइट भी लड़ने जाता था मैं स्कूल के दौरान में। जुलाई महीना इसी तरह पार हो गया, अब अगस्त महीना में आ गया। अगस्त महीना में कुछ घटना घटी थी रामाकांत सर से पास, तो मैं नहीं बोलूँगा, रामाकांत सर का नाम ख़राब नहीं करूँगा मैं, माननीय रामाकांत सर का नाम नहीं ख़राब करूँगा मैं, जाने दीजिए, रामाकांत सर इससे अच्छे हैं। इतने छोटी मोटी लड़ाई होती है, जो सीबीसी कैंपस का मैनेजमेंट डायरेक्टर है रामाकांत स्वामी, नाम तो ख़राब नहीं करना चाहता हूँ मैं, और सुमेंद्र सर का भी नाम नहीं ख़राब करना चाहता हूँ मैं, नहीं बोलना चाहता हूँ मैं यार, किसी का आदमी का नाम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ। चलिए, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है, घरेलू में होता है, इतना चलता है, कम बेसी होता ही रहता है। अगस्त महीना में राखी पूर्णिमा के दिन में मैं वापस घर आया मैं, बहुत दिन के बाद, और राखी पूर्णिमा के दिन में मम्मी के साथ में आया मैं, और मम्मी के साथ में पूरा पूरी करता था मैं काम, और घर आते समय मैं हल्का सा सामान लेकर आया, ज़्यादा पैसा कोई नहीं था मेरे पास, हल्का आधा किलो फुटका लेकर आया मैंने, और कुछ सामान लेकर आया मैंने घर में, और कुछ सामान लेकर नहीं आया, और मम्मी साथ में कभी बर्तन मेज देता था मैं, कभी खाना पीना, हल्का पल्का सपोर्ट कर देता था मैं, और मजाक मस्ती पूरा करता था मम्मी से। और जिस दिन राखी पूर्णिमा था, उस दिन मेरे मम्मी ने, मतलब मेरा जो फुलकुमारी है, जो हमसे भाई लोगों से छोटा है, बहन नहीं आ पाई घर, तो मेरा फर्ज बनता है कि चलो भाई, मेरा फर्ज बनता है कि चलो मैं अपना बहन घर जाऊँ और राखी बनवा लूँ मैं। 15 अगस्त को राखी पूर्णिमा के दिन में अपना बाइक निकाला मैंने, बाइक निकाल कर तिलैया गया मैंने, और अपने बहन के लिए माल चांदी का लॉकेट ले दिया मैंने, और बहन का बेटा के लिए चांदी का लॉकेट ले दिया मैंने, अच्छा लग रहा था देखने में, ले दिया मैंने, जो पैसा लगा, और कुछ खाने पीने सामान लेकर मैंने बहन का घर में गए, बहन का घर गए और राखी बंधा लिए मैंने, और बहन को खुद अपने हाथों से लॉकेट पहनाए, और बहन को बेटे को भी चांदी अपने हाथों से लॉकेट पहनाए।
हल्का सा नाश्ता किया मैंने और राखी बंधाए, मिष्टी खाए, जो क्रम हुआ था करके मतलब निकलने वाले थे। निकलते समय अपना बहन को भी दे दी मैंने 200 रुपया, अब बहन का बेटा को भी दे दी मैंने 100 रुपया, बहन का जो सास होता उसको भी 100 रुपये दे दी, और बहन का जो मेरा हस्बैंड है ना उसको भी दे दिया पैसा, वो नहीं लिए मैंने। बोला भैया रुक जाइए रुक जाइए, बहुत कोशिश की, बोले रुक जाइए भैया रुक जाइए। बोला नहीं 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 रुकूंगा मैं रुकूंगा इसी की शर्त पर, क्योंकि आज की रात का होटल का पार्टी मेरा तरफ से, तभी रुकूंगा मैं। बोलो बहुत अच्छा बात है। बोला नहीं 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 ऐसा तो कहो नहीं होगा। बोला ठीक है, मैं ऐसे निकल गया, मैंने निकल गया मैं। तो निकलने के बाद मैं मामा का घर में, स्थिति ख़राब है मतलब मामा घर में, जानते आप बताए थे मैंने पहले, मामा घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, कंडीशन ख़राब है कि मामा का बेटा इन लोग ले जेल आम बात है। तो मामा घर गए मैंने और कुछ सामान लेकर गए मैंने, 100-150-200 रुपये सामान लेकर गए मैंने। तो इन लोग कोई मैं छोटा जो जो मामा का छोटा लड़का है संदीप, वो कुछ मतलब उसको कोई कर दिया था, कोई मतलब गुनी धनी कुछ कर दिया था। तो गए मिलने के लिए 200-300 रुपये सामान लेकर, तो बोल बातचीत किए मैंने, और कोई थाना पाना केस मुकदमा फंसा हुआ था। हमने बोला मैंने बोला जे माधरचोद केस कर लेना, भोसड़ी वाला केस कर लेना, ओकर औकात ना है, आज है तो कल तुरघारा में स्योर चाय पिए ले। तो हम अगर स्थिति जानो ही ना कि मामू मामी अगर जगह जाना जानते हैं ना कितना पावर है की पावर है ना, पूरा पूरी हिस्ट्री जानो ही है। ये माधरचोद का औकात भी ना है तुझे, तो तुर नाम पर केस कर सकूँ है, और उसी हल्का गुस्सा गुस्सा में हो गया तो कुछ दिन बाद तोर घर हम चाय पिए जरूर है। तो इतना बात बोलकर मैं और संदीप को हल्का घुमा दिए मैंने, बातचीत किए मैंने, और कुछ खर्चा किए 10-50 रुपये खर्चा किए संदीप के पीछे। बोला ठीक है। जब निकलते समय सभी को मैंने 10, 20, 50, 100 सभी को दिए मैंने, बोला बहुत दिन के बाद गए मैंने इसलिए कुछ नहीं, कभी कभी ज़िंदगी में नहीं दिए मैंने मामा घर में, चलो पहले कुछ देकर आ जाऊँ मैं, दिए मैंने। देने के बाद उसका बाद मैं घर आ गया। मैं घर में कुछ कांड घटा था मेरे साथ में, घटना नहीं बताऊंगा मैं। उसका बाद स्कूल निकल गया मैं, अगस्त में स्कूल निकल गया मैं और 27-28 को ग्रेटर मतलब दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में एमएमएम का फाइट था। एमएमएम फाइट स्कूल में पहुँच कर काम धंधा करने लगे, उसी तरह जैसे काम धंधा होता है पीटीआई, वो स्कूल हल्का फल्का लड़ाई लड़ा होते रहता है, क्या बताऊँगा मैं। तो 27-28 तारीख को कुछ एमएम फाइट लड़कर आया मैंने, और आँख में पूरा चोट लगा था, पूरा आँख में पूरा खून से पूरा लतपथ हो गया था, लाल लाल लगे था पूरा। सब बच्चा रोने लगा, सर भगवान से दुआ मांगता हूँ कि आपका आँख बहुत ठीक हो जाए, हर बच्चा बोलता था, देता था तो रोने लगता था कि सिल्ला सर बहुत मस्त है यार, बहुत ज़्यादा मस्त है, चोट लगे सर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका आँख ठीक हो जाए। तो बच्चे लोग देख कर रोने लगता था, मैं तो इसलिए गमछी हल्का हल्का हाथ धकते थे इसलिए कोई देखे नहीं। तो एक दिन और घटना घटा था सुमिंदर से बारे में, तो सुमिंदर से बारे में बोलूँगा नहीं बोलूँगा किसी का नाम नहीं ख़राब करूँगा मैं। तो 4 सितंबर की बात है स्कूल में, 4 सितंबर की बात है, जोगिंदर सर का भी नाम नहीं ख़राब करना चाहता हूँ मैं, चलो इतना होते रहता है। जोगिंदर सर 4 सितंबर को स्कूल से निकाल दिए मेरे को, तो मैंने खुशी खुशी निकल गए मैंने, आज बहुत सारा सामान भी ले लिया मैंने, पूरा स्कूल का ड्रेस ले लिए, बैंक का पासबुक ले, अब जो मॉर्निंग लेटर ले लिए, बहुत कुछ ले लिया मेरा मैंने, दे दिए मैंने खुशी खुशी दे दिए मैंने, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, आदमी आज की डेट में आदमी किसी पर विश्वास नहीं करता है, ये सभी को पता है। आज की डेट में कोई आदमी किसी पर विश्वास नहीं करता है, अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं करता है, ये सभी को पता है। तो मैंने दे दिए मैंने, आदमी क्या होता है क्या ऐसा है, तो मेरे बारे में सोचता था भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ मैं स्कूल में, तो सोचता था तो बोला ठीक है बोला दे दो मैं बाद में आ जाऊँगा, मैं सोच के दे मैंने दे दिए मैंने सारा चीज़ दे दी मैंने, जो जो स्कूल का सामान था सारा चीज़ दे दी मैंने। उसको बोला सर स्कूल का फोटो है, बोले सर स्कूल का फोटो नहीं है, मैंने कभी फ़ोटो खींचे भी मैंने। बोला ठीक है सर। उसके बाद सामान लेकर मैं गाड़ी से निकल रहा था, जब निकलने लगा तो मैंने बोला सर आप बोलेरो गाड़ी में बैठ जाइए, बोला सर मैं बोलेरो में नहीं बैठूंगा मैं, जब स्कूल से निकाले तो बोलेरो में क्यों बैठूंगा मैं, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, बोला बैठ बोलेरो में, ज़्यादा मुँह नौकर पकड़ पकड़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा चुपचाप आराम से निकलने दे, आराम से निकलने दे। तो मेरे को स्कूल से यहाँ पर से बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहा था, बस गाड़ी में बैठ जाए गाड़ी में बैठ जाए, तो दो आदमी, तो मैंने आकर मतलब पालवास चौराहा पर व्हीलर होता है वहाँ पर सो गया मैं, बस आया
बस से मैं बॉम्बे निकल गया। मैं बॉम्बे में कान ने कलपने लगा, मैंने बोला यार कोई गलती नहीं था, मेरे घर को निकाल दिया। बोला ठीक है, कोई टेंशन नहीं यार, इतना होते रहता है, क्योंकि आदमी का रियल ज़िंदगी है, जो गरीब जीत जो दुख कर ज़िंदगी जीता है, सुख में ज़िंदगी जीता है, रियल ज़िंदगी होता है। दुख का ज़िंदगी जो जीता है रियल ज़िंदगी होता है। जो बहुत आपने देखे, झोपड़पट्टी में सोए मैंने, चाली में सोए मैंने, बहुत सारा काम किए मैंने, ये काम कर रहा हूँ, कल ये काम कर रहा हूँ, कभी पार्क में झाड़ू मार रहा हूँ, कभी 10 तल्ला बिल्डिंग काम कर रहा हूँ, कभी शूटिंग में काम कर रहा हूँ मैं। एक हफ्ता बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने रमा सुमेंद्र सर राय जोगेंद्र सर के पास, बोले सर मेरी गलती की तो क्या है। बोले सर आपने बुलेरो गाड़ी में नहीं बैठे। बोला फ़ोन मत करना तो बहुत सुनेगा। दूसरा बार फ़ोन किया, सर गलती क्या है मेरा बता दिया, तो रोड पर सोया क्यों, तो ये गलती तो नहीं है, आप लोग तो बता दीजिए ये गलती तो नहीं है। जोगेंद्र सर तीसरा बार फोन किया, बोले सर गलती तो बता दीजिए। बोला पार्क में तो झाड़ू मार कर बीड़ी क्यों पू रहा था। बोला मेरे यहाँ पर बेगारी का काम भी नहीं है, अभी फ़ोन किया तो बिल्कुल गाली दूंगा मैं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने फ़ोन करने के लिए रामाकांत सर को बोले, मैंने मैसेज मेल लिखे सुमेंद्र सर को बोले, मैंने मैसेज किए, सुमेंद्र सर बोले रामाकांत सर से बात कीजिए सर हो जाएगा। तो रामाकांत सर क्या बात करो, जोगेंद्र सर जब जो स्कूल का जो मालिक है जो फाउंडर है उसको निकाले तो मैं क्या बोलेगा, बॉस ही निकाले तो क्या बोलेगा। तो जोगेंद्र सर को बोले, मैंने पूरा मैसेज अप्लाई किए, बहुत ज़्यादा अप्लाई किए मैंने मैसेज तक, मैसेज काम पर काम, फेसबुक छोड़े मैंने वीडियो, आज ये काम कर रहा हूँ, कल ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़। और इसी पैसे से मैंने MMA फाइट भी लड़ने जाता था मैं, MMA का फाइट भी, प्रोफेशनल फाइट भी लड़ता था मैं, और रात को भी मैं प्रैक्टिस, दिन को भी काम धंधा प्रैक्टिस करता था मैं, क्लब में भी प्रैक्टिस करता था, आप लोग देखते थे। तो बार बार कोई कुछ नहीं बोला। तो अक्टूबर महीना में मैंने वीडियो पर, हर वीडियो पर मैंने बोला था जय जोगिंदर सुंडा, जय सिल्ला, जय जोगिंदर सुंडा। तो सुनकर जोगिंदर सर को खराब होता था, तो जोगिंदर सर फ़ोन कर दिए प्रिंसिपल को, जो गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल का जो प्रिंसिपल था SB बनर्जी। बेटा तू क्या बोल रहा है, जोगिंदर सुंडा, तू जेल में जाएगा। हाँ बोले सर क्या बोलूँ मैं यार, सब कुछ सभी को दिखा रहा हूँ कहानी, अब बनर्जी सर भी जानते कि मैं लड़का कैसा हूँ, सबसे कुछ देखता है। तो मैंने बोला ठीक है जोगेंद्र सुंडा नहीं बोलूँगा मैं। फिर कुछ दिन के बाद मैंने जोगेंद्र सुंडा को बाप बना लिया, मैंने माए पापा जोगेंद्र सुंडा भी लिख दिया मैंने। तू बेटा क्या लिखता है, माए पापा जोगेंद्र सुंडा, तू जेल में जाना है क्या। फिर भी फ़ोन किया, बोला हट। तो मैंने धीरे धीरे, तो मैं जोगेंद्र सुंडा का बीच बीच में कभी कभी सोशल मीडिया में गाली भी देता था मैं, मतलब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, जो जो सब उनको गाली देता था मैं, और कभी कभी अच्छा बोलता था मैं, क्योंकि दिल का अच्छा आदमी है, अच्छा बोलता था मैं। 11 नवंबर को, मतलब इसके बीच में बहुत, मतलब सितंबर महीना अक्टूबर महीना में बहुत बीच बीच में कांड होता था, कभी कभी खड़ा होता था। मंडप वाला पास काम करता था मैंने, उसको पैसा नहीं देता था, और शूटिंग वाला पास किए 14 दिन काम किए, राजू में 7,000 अभी तक भी नहीं दिया मेरे को पैसा। तो 11 नवंबर को मैंने मंडप वाला पास फ़ोन किए, अब बुलाया, बुलाने के बाद दे रहा था 100 रुपया। बोला 100 रुपये क्यों चलेंगे यार, साला बोले शर्म ना लगो, तो 100 रुपये दे रहा था। तो मैंने मांगने लगा, तो मेरे को बहुत 2-3 आदमी मिलकर पूरा मारा। तो मैंने भी एक ढेला उठा कर दिए हिंच कर, फिर पकड़ कर मुझे डंडाना का मारा, पुलिस थाना पास गया, मैंने कोई केस मुकदमा नहीं लिया। बोला वाह भाई पूरा मारा मेरे को, कौन खराब दिखाया। उसी 11 नवंबर को मैंने यहाँ पर मैंने लिखाए थे, मैंने माई पापा जोगेंद्र सुंडा लिखाए थे, मैंने अपने हिसाब से देखे, मैंने आप लिखाए थे, मैंने माई पापा जोगेंद्र सुंडा लिखाए थे मैंने। चलो भाई कुछ करके दिखा दो, दुनिया में 2 दिन जीऊँ किसी, कुछ करके दिखा दो, मैं मेरे मम्मी पापा की स्थिति देखे आप, क्या इतना गरीब है मेरा मम्मी पापा। मेरा माँ अभी भी सुबह 4 बजे 5 बजे भोर उठ कर उठती है, पापा मेरा हड्डियाँ में बेचते देखते हैं मेरे पापा। सोचे मैं कुछ करके नहीं सकता, मैं कुछ करने जाता था। तो क्या बोलूँ मैं, तो 11 नवंबर को, 15 नवंबर को बात है, चलिए 11 नवंबर को बात ख़त्म हो गया, मैंने सब चीज़ वीडियो दिखाया मैंने। 15 नवंबर को मैंने बॉम्बे से निकला और हेयर कटिंग कटवाया मैंने, बोला न्यू स्टाइल में न्यू सिल्ला बनने जा रहा है। तो मैं जो जयपुर पहुँचा, नहा धोया मैंने, सीकर पहुँच गया मैं, रामाकांत सर मिले, रामाकांत सर बोले सिल्ला
शिला जी आप यहाँ पर आए किस लिए? जोंगदा सर देखेंगे तो बहुत पिटेंगे। तो कुछ देर के बाद सेकी मिला। सेकी मिलने के बाद शिला जी पापा क्यों गाली दे रहे हैं? तो पूरी पूरी घटना देखे तो मैं क्या बोलूँ मैं यार, जाने मैं ही मार के खुश रहूँगा, जा दूसरे आदमी तो खुश है, जाने दो। सेकी अपने पापा पास ले गया, मैं जो छोटा का प्रणाम किया मैंने और हर आखिर बोला सर ऑफिस में बैठ जाइए। बैठने लगे मैंने तो बैठ गए मैंने। यहाँ पर महेंद्र रंगवा जी थे, केपी सर थे, राजेश जिलन सर थे। बहुत समझाया मेरे को, समझाया क्या, बोले सर आपको कोई गलती नहीं था स्कूल में, आपका जाने दो यार, बात को नहीं बोलूँगा मैं। फिर स्कूल से मेरा मोबाइल मैंने दे दिया, सर मेरे को मार डाली है, आप लोग इस जगह पहुँचने के लिए, जोगिंदर सर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, हमको किसी का नाम ख़राब नहीं करना है, किसी को बनाना बिगाड़ना नहीं है। मैं किसी को बनाने सकता, किसी को गिराने सकता हूँ, मैं किसी को गिरा नहीं सकता हूँ मैं। बोले सर मेरे को मार डाली है। तो केपी गोस्वामी ने मेरा यूट्यूब चैनल पूरा डिलीट कर दिया। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो डाले थे मैंने, सारा डिलीट कर दिया मेरा, और एफबी पर मेरा फेसबुक पर फोटो वीडियो डिलीट कर दिया। बट ठीक है सर, जिस तरह वीडियो डिलीट कर दिया, फोटो डिलीट कर दिया, यूट्यूब डिलीट कर दिया, उसी तरह मेरे वो डिलीट कर दीजिए। तो कभी नहीं सुना ये लोग, कुछ नहीं सुना। तो फिर यहाँ से मैं निकल गया, मैं निकाल दिया। फिर मैंने किसी को कुछ नहीं बोला मैंने। उसके बाद 16 तारीख शाम हो गया, खाने के लिए पूछा मतलब नहीं खाऊँगा मैं। तो 16 तारीख शाम हो गया तो सभी से मिले, जोगिंदर सुना पापा से मिले, गोपाल सुंडा से मिले। उसने बोला बट मुझे नौकरी रखना नहीं है सर, नौकरी नहीं चाहता मैं, मेरे को मार डालिया चाह रहेगा। फिर बोला सर नौकरी तो पर क्यों मारूं मैं। तो मैंने 16 तारीख को धर्मेंद्र ने फोन किया, धर्मेंद्र ढाका, ये लोअल पब्लिक स्कूल का मतलब दाना राम का बेटा था, छोटा बेटा, बार बार फोन करके पूछता था शिला जी कैसे हैं आज, क्या कर रहे नहीं कर रहे, हर बार पूछता था खाए कि नहीं खाए। शिला जी आए सीकर तुम रतनगढ़ आ जाइए। रतनगढ़ मैंने पहुँचा, खाना पीना खाने पूछा, खाए पिए वहीं पर, सोने भी दिया बेचारा ने, सोए भी रात को यहीं पर, सोकर खाना पीना खाया मैंने, रात को सोया मैंने। अब बच्चे लोग भी थे, पुराने बच्चे रॉयल पब्लिक का, उसने बहुत ज़्यादा इज्जत किया सर, सर बहुत ज़्यादा इज्जत किया मेरा, बहुत ज़्यादा इज्जत किया। तो रात को मैंने बातचीत की मैंने, तो सुबह उठा मैंने 10-11 बजे, 6-9 बजे उठे मैंने, और जो सर ये धर्मेंद्र ढाका और मैं बोला सर शिला जी एक्चुअली काम धंधा ढूंढते हैं, तो 2-3 जगह ले गए काम धंधा पर, और गए मैंने काम धंधा पर पूछने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो काम पसंद नहीं आया। तो चलो ठीक है, वहाँ से मैंने सुबह बैग उठाए और गुरुकुल पहुँचा। मैंने गुरुकुल पहुँच कर मैंने यहाँ पर बनर्जी सर से मिलने की कोशिश की, बनर्जी सर नए थे जयपुर चला गए, और विजयपाल ढाका सर थे स्कूल में, नहीं मिले, बोला दिल्ली चला गया। बोला ठीक है सर, समय ख़राब है तो कौन पूछता है यार, समय जब खराब होता कौन पूछता है। बोला ठीक है, बच्चे लोग आप देखे गुरुकुल का तो पुराने बच्चे लोग, तो इसने भी सर सिल्ला आ गया, सब बच्चे लोग हल्ला करने लगा, तो मैंने आग लगा चुप के। तो विजयपाल ढाका नहीं मिला, बोल जाने दो यार, नहीं मिला, अपने खुश रहो जिंदगी में, मैं अपने खुश हूँ। मैं वहाँ से निकल कर मैं लक्ष्मणगढ़ पहुँचा, लक्ष्मणगढ़ में घूमा फिरा मैंने, वीडियो बनाया मैंने बहुत जगह का। उसका बाद स्टेशन पहुँचा लक्ष्मणगढ़ पहुँचा मैंने, और लक्ष्मणगढ़ में रोने लगा मैंने,
मैंने जोगिंदर सुंडा को पूरा कर लेते हैं। अरे माधर चोत दोगला, अरे जोगिंदर सुंडा भोसड़ी वाला मेरे को मार डाल, आधा मारा है तो पूरा मार डाल माधर चोत, जोगिंदर सुंडा पूरा मार डाल। और कुछ एक वीडियो और बढ़ डाले थे मैंने, फेसबुक पर डाले थे मैंने, बोला इससे देखिए लाइफ से क्या शिक्षा ज्ञान मिला। उसके बाद मैंने उसी तरह 17 तारीख को रात को दिन को मतलब सीख कर पहुँचा मैंने स्कूल में, तो कोई गए मैंने कोई कुछ नहीं, जो उन्होंने सुंडा का वाइफ भी शब्द के वाइफ के पास मिले मैंने, उसने भी कुछ नहीं बोला मेरे को, कुछ नहीं बोला। सर देखिए मेरे मम्मी जो उन्होंने सुंडा का वाइफ को बोला, देखिए मैडम मैंने यहाँ पर लिखा बोला जाना बहुत आगे बढ़ गया, मैटर बहुत आगे बढ़ गया है, उसने भी कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है। तो रात को लगभग 7:30 बजे सेकी ने फ़ोन किया, उसका बेटा जोगेंद्र सुंडा का बेटा सेकी ने फ़ोन किया, शिला जी आप कहाँ पर हैं? बोले सर मैं यहाँ पर हूँ, मैं शिला जी आपसे मिलना है। बोले ठीक सर मैं आता हूँ मिल लेता हूँ मैं। तो मैंने सेकी से मिलने के लिए गया, मैंने शिला जी आप क्या करने लगे? देखिए मेरे फिर से पापा को गाली देने लगे हैं। तो मैं क्या बोलूँ मैं यार, मैं कुछ मेरे मुँह से निकलता नहीं था कुछ बोलने के लिए। तो बोले क्या बताऊँ मैं? तो सेकी ने समझाया, समझाया क्या, समझाने की बात यहाँ पर कुछ मैटर में बोलने नहीं पाएगा। सेकी और महेंद्र अनुवा जी थे और 2-3 स्टाफ था स्कूल का, मतलब जोगिंदर सुंडा का 2-3 स्टाफ था, ले गया मेरे को पुलिस थाना। महेंद्र अनुवा जी बोलते हैं उसको दो घंटा हिचक लगाई तो पूरा जोर से, महेंद्र अनुवा जी बोले, तो बोले सर मारिए जितना मारना है। तो सारा चीज़ आता, पुलिस वाला भी देखा कि गलती मेरा नहीं है, पुलिस वाला कुछ नहीं किया, एक लेटर में लिखाया, बोला ठीक है मानसिक स्थिति में जो आपका मनोरल मतलब शरीर ख़राब था ऐसे ऐसे ख़राब था तो गाली दिए मैंने। तो इस पुलिस थाना में मोबाइल छीन लिया, क्योंकि पुलिस वाला भी फंस चुका है। उसका बाद जोगिंदर सेकी ने मेरे को गाड़ी में बैठाया और स्टेशन ले आया रेलवे स्टेशन में। मैंने बोला, प्रकाश बजानिया भी था जो लक्ष्मणगढ़ का जो युवा नेता है, प्रकाश बजानिया बोले बच जाऊंगा ना नाम चलो तो छोड़ूंगा नहीं, देख देख सके क्या बोल रहा है सलाह सरा सारी में अभी भी दम, बोले मार डाल अच्छा रहेगा। मैंने धमकी भी दिया था, बोले बच जाऊंगा ना तो छोड़ूंगा नहीं, तो मैंने धमकी भी दे रहा था मैंने, तो माना भी नहीं। बैग लिया मेरा, सब चीज़ लिया, कागज पत्र जितना सब चीज़ डॉक्यूमेंट था सब चीज़ फाड़ दिया मेरा, सब फाड़ दिया, और ATM कार्ड भी आधार कार्ड भी लिया। मैंने देखा आधार ATM कार्ड नहीं था, जब ट्रेन में बैठने लगे तब दिया मेरा ATM कार्ड आधार कार्ड और मैंने टिकट कटवा कर दे रहा था, टिकट कार्ड फाड़ कर फेंक दिया मैंने, ATM कार्ड और आधार कार्ड रख लिए मैंने, और वहाँ से निकल गया मैं दिल्ली। दिल्ली में देखा मैंने, मैंने सुप्रीम दिल्ली में गया मैंने, फिर ट्रेन बैठ कुछ पैसा निकालने जा रहा था मैं, तो वहाँ पर मैंने देखा ATM कार्ड तोड़ दिया, जोगिंदर सुंडा का बेटा ATM कार्ड तोड़ दिया, प्लस बैग का चेन बैग पीछे फाड़ दिया। अभी भी मेरा बैग फटा हुआ और ATM कार्ड टूटा हुआ भी दिखाया मैंने, पहले भी दिखाए थे मैंने आप लोगों को, बैग भी फाड़ दिया ATM कार्ड भी तोड़ डाला, यह है जोगिंदर सुंडा का। उसका बाद मैं दिल्ली से 2-3 दिन भूखा रहा मैं, और आया मैं घर फुलकुमारी पास आया, तो 400 रुपये लिए मैंने बांध का तिलिया में, उसके बाद 400 रुपये लेकर मैंने फुलकुमारी का रुकाने सुबह सुबह तिलिया से अपना घर आ गया, इधर गुल्ली आ गया, मैं नहाया धोआया और उसी दिन मैं उखड़ा निकल गया। मैं उखड़ा निकलने के बाद पापा पास 1-2 दिन रुके, मैंने मोबाइल लिया, मैंने जो नया मोबाइल है नया मोबाइल में लिए मैंने। उसका बाद प्रिंसिपल प्रवीण को उखड़ा दर्शन दिया स्कूल, प्रिंसिपल सर से मिले मैंने, पेड़ छू के प्रणाम किए मैंने, और मिस्टी का पैकेट भी खिलाया मैंने, बस स्कूल का वीडियो बनाना चाहता हूँ कुछ, बोला ठीक बना लीजिए शैला जी, अब मिस्टी खिलाई अपने हाथों से। मैंने बहुत ज़्यादा बोला ज़िंदगी में बहुत खुश हो गया भाई, इतने बड़े मास्टर को मैंने प्रिंसिपल को मिठाई खिलाया मैंने, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बहुत अमर हो गया मैंने, हर एक टीचर को खिलाया मैंने, दिनेश सर अजय सर इतिशानमान सर बहुत सारे टीचर को खिलाए मैंने, मैडम को भी अपने हाथों से खिलाया जो मैंने को पढ़ाया मेरे को, सभी को पता है कि शिला बहुत मस्त है, आज की डेट में कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, सब आदमी पैसे के पीछे भागता है, मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागा, मैंने कभी पैसे के पीछे भागा, पैसा बड़ी चीज़ नहीं होता है, दिल से बड़ा पैसा कभी नहीं होता है। तो वीडियो बनाए, उसका बाद मैं बॉम्बे निकल के 24 तारीख पहुंचा मैंने, 24 तारीख सामान तमान लेकर घर आ गया मैं 26 तारीख को, और घर में बेरोजगार बेगारी बैठा हूँ मैं, बेगारी बैठा हूँ मतलब कोई काम धंधा नहीं करता हूँ मैं, डेली सो के उठता हूँ मैं 11 बजे उठता हूँ, क्यों किसी को उठ कर करूँ क्या भाई,
घर में देखता हूँ मैं घर में कुछ कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। मैं डेली सो उठता हूँ मैं इसी तरह, और मम्मी पापा हल्का हल्का हेल्प करता हूँ, छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है। और देखते रहिए मेरा कहानी, ये था 2019 का पूरा पूरी दिसंबर महीना में कहानी था। आज भी और आगे भी दिखाऊंगा मैं अपने चैनल आज भी, और 2019 में आने वाली बात है तो कुछ कहानियाँ कुछ बताऊंगा मैं। 2020 आने वाला है, कुछ बातें बताऊंगा 2020 में। 12 बजे रात को बात बताऊंगा मैं, ज़रूर बोलूँगा मैं। वीडियो को समाप्त करता हूँ मैं, बोलता हूँ मैं जय हिंद जय सिल्ला। और मेरा यूट्यूब चैनल है सीयू विक्रम सिल्ला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रियल लाइफ देखते रहिए, कुछ घटना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।